वंडरस्लेट में आपका स्वागत है। महत्वपूर्ण अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें। लिंक वीडियो विवरण में दिया गया है। आज का क्विज विषय है 3 अक्टूबर करंट अफेयर्स 2019। क्वेश्चन नंबर 1। कब कॉफी डे मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 अक्टूबर, ऑप्शन बी 31 सेप्ट, ऑप्शन सी 3 अक्टूबर, ऑप्शन डी 4 अक्टूबर। सही जवाब है ऑप्शन ए 1 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस 2019 कॉफी तेल के बाद दूसरा सबसे अधिक कारोबार किया जाने वाला कमोडिटी है। क्वेश्चन नंबर 2। नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRE नई दिल्ली में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाने के लिए ग्लोबल स्टूडेंट सोलर असेंबली का आयोजन कर रहा है। इस भव्य आयोजन में कौन सी प्रमुख संस्थाएं जुड़ी हुई हैं? ऑप्शन ए IISc बेंगलोर, ऑप्शन बी IIT दिल्ली, ऑप्शन सी IIT बॉम्बे, ऑप्शन डी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान। सही जवाब है ऑप्शन सी IIT बॉम्बे। MNRE 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाने के साथ साथ टिकाऊ जीवन की गांधी की अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए एक दिवसीय कार्यक्रम ग्लोबल स्टूडेंट सोलर असेंबली आयोजित करने जा रही है। यह भव्य आयोजन IIT बॉम्बे के साथ मिलकर युवा छात्रों को ऊर्जा स्थिरता और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। 60 देशों में 1 मिलियन से अधिक छात्रों को एक ही दिन में इस वैश्विक कार्यक्रम में शामिल होने की उम्मीद है ताकि अक्षय ऊर्जा राजदूत बन सकें। क्वेश्चन नंबर 3। आरोग्य मंथन का आयोजन NHA द्वारा नई दिल्ली में अंडरस्कोर का एक वर्ष पूरा होने पर आयोजित किया जाता है। ऑप्शन ए आयुष्मान भारत, ऑप्शन बी स्वच्छ भारत, ऑप्शन सी राष्ट्रीय पोषण मिशन, ऑप्शन डी मिशन इंद्रधनुष। सही जवाब है ऑप्शन ए आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत या पीएम जन आरोग्य योजना 23 सितंबर 2018 को शुरू की गई थी। यह केंद्र सरकार की एक योजना है और इसमें केंद्र प्रायोजित योजनाएं शामिल हैं, जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना, सेवा आयुष्मान भारत या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। PMJ के एक वर्ष पूरा होने के अवसर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा नेशनल आरोग्य मंथन समारोह का आयोजन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4। अप्रेंटिसशिप पखवाड़ा देश भर में एक 15-दिवसीय कार्यक्रम शुरू किया गया है। ऑप्शन कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, ऑप्शन बी श्रम और रोजगार मंत्रालय, ऑप्शन सी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ऑप्शन डी मानव संसाधन विकास मंत्रालय। सही जवाब है ऑप्शन कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। कौशल विकास और उद्यमिता MSTE के लिए 22 संगठनों के सहयोग से अप्रेंटिसशिप के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अप्रेंटिस पखवाड़ा लॉन्च किया। ये संगठन 15 दिन तक चलने वाले आयोजन में 2.5 लाख युवाओं को प्रशिक्षिता प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में प्रकाशित स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा सूचकांक जारी किया गया है। ली केरल और बिहार क्रमशः सूची में सबसे ऊपर और नीचे हैं। डी स्कूल शिक्षा क्षेत्र में किसी भी केंद्र शासित प्रदेश का मूल्यांकन नहीं किया गया है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल आय, ऑप्शन बी उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन सी आय और टू, ऑप्शन डी टू और थ्री। सही जवाब है ऑप्शन डी
2 और 3 NIT आयोग स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स SAQI के पहले संस्करण को स्टार्स और केंद्र शासित प्रदेशों के स्कूल शिक्षा क्षेत्र के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए प्रकाशित करता है। यह सूचकांक एक सहयोगात्मक प्रक्रिया के माध्यम से विकसित किया गया है, जहां मानव संसाधन और विकास मंत्रालय, विश्व बैंक और विशेषज्ञ शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 6। टाइफून अंडरस्कोर ने ताइवान को 162 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम हवाओं के साथ बहा दिया, जिससे कई लोग घायल हो गए, हजारों घरों में बिजली काट दी और फसल के खेतों को नष्ट कर दिया। ऑप्शन ए पुबक, ऑप्शन बी मितग, ऑप्शन सी अलिस, ऑप्शन डी वचतिप। सही जवाब है ऑप्शन बी मितग। टाइफून मितग पूर्वी प्रशांत महासागर और ताइवान से गुजर रहा है। चीन, जापान और कोरियाई प्रायद्वीप हाई अलर्ट पर हैं। ताइवान के मौसम ब्यूरो ने टाइफून मितग को दूसरे सबसे मजबूत आंधी स्तर के रूप में चिह्नित किया है, जिसमें उच्च हवाओं और भारी वर्षा की उम्मीद है। क्वेश्चन नंबर 7। ओडिशा के चांदीपुर से ब्रह्मोस मिसाइल के हाल ही में परीक्षण किए गए भूमि हमले संस्करण की पूर्ण स्ट्राइक रेंज अंडरस्कोर है। ऑप्शन ए 290 किमी, ऑप्शन बी 450 किमी, ऑप्शन सी 320 किमी, ऑप्शन डी 270 किमी। सही जवाब है ऑप्शन ए 290 किमी। ब्रह्मोस सुप्रसोनिक क्रूज मिसाइल संयुक्त रूप से भारत और रूस द्वारा विकसित की गई है। ब्रह्मोस का हालिया परीक्षण फायर 290 किलोमीटर रेंज के भूमि हमले संस्करण पर किया गया है। इसमें भारतीय प्रणोदन प्रणाली, एयरफ्रेम, बिजली की आपूर्ति और महत्वपूर्ण स्वदेशी भागों की सुविधा है। क्वेश्चन नंबर 8। विश्व आर्थिक मंच के भारत आर्थिक शिखर सम्मेलन का 33वां संस्करण 3 अक्टूबर को अंडरस्कोर से शुरू होगा। ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी बेंगलोर। सही जवाब है ऑप्शन ए नई दिल्ली। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का 2 दिवसीय 33वां भारत आर्थिक शिखर सम्मेलन 3 अक्टूबर से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन, पर्यावरण सुधार, स्टार्टअप उद्यम, शिक्षा और लैंगिक समानता, ढांचागत प्रगति और दक्षिण एशियाई आर्थिक दृष्टिकोण जैसी तकनीकों में नवाचारों पर चर्चा के लिए सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा होगा। क्वेश्चन नंबर 9। पर्यटन पर्व 2019 की थीम को प्रचारित करने के लिए 2 अक्टूबर को केंद्र द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन ए पधारो हमारे देश, ऑप्शन बी देखो अपना देश, ऑप्शन सी जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग की चुनौती का जवाब देना, ऑप्शन डी वसुधैव कुटुंबकम भारत और विश्व। सही जवाब है ऑप्शन बी देखो अपना देश। पर्यटन पर्व 2019 को 2 अक्टूबर 2019 को लॉन्च किया गया है और इसका उद्देश्य देखो अपना देश के संदेश का प्रचार करना है। इसका प्रमुख उद्देश्य भारतीय नागरिकों को देश में विभिन्न स्थानों और आकर्षणों को देखने और पर्यटन के लिए पर्यटन का संदेश फैलाने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस वर्ष का पर्यायण पर्व राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 10। गूगल एड हर्बर्ट क्लेबर के उत्कृष्ट योगदान को 1 अक्टूबर को डूडल के साथ सम्मानित किया। क्लेबर प्रसिद्ध थे ऑप्शन ए मनोचिकित्सक, ऑप्शन बी ऑन्कोलॉजिस्ट, ऑप्शन सी भौतिक विज्ञानी, ऑप्शन डी कृषि विशेषज्ञ। सही जवाब है ऑप्शन ए मनोचिकित्सक। द हर्बर्ट क्लेबर एक प्रसिद्ध अमेरिकी मनोचिकित्सक और मादक द्रव्यों के सेवन शोधकर्ता थे, जिन्होंने नेशनल सेंटर ऑन एडिक्शन एंड सब्सटेंस अब्यूज की स्थापना की थी। क्लेबर ने नशे को एक ऐसी स्थिति के रूप में देखा जिसका इलाज अनुसंधान,
दवाओं और चिकित्सा की मदद से किया जा सकता था। क्वेश्चन नंबर 11। अर्जेंटीना में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए मिहिर सिंह, ऑप्शन बी राजीव रंजन, ऑप्शन सी दिनेश मोंडोल, ऑप्शन डी दिनेश भाटिया। सही जवाब है ऑप्शन डी दिनेश भाटिया। ऋषि कुमार शुक्ला 1983 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी, केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए थे। वह 2 साल की निश्चित अवधि के लिए सेवा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित भारतीय स्क्वैश खिलाड़ियों में से किसने सिएटल ओपन एक पीएसए चैलेंजर स्क्वैश टूर इवेंट जीता? ऑप्शन ए सौरभ घोषाल, ऑप्शन बी रामित टंडन, ऑप्शन सी दीपिका पल्लीकल, ऑप्शन डी हरिंदर पाल संधू। सही जवाब है ऑप्शन बी रामित टंडन। भारत का 40वां संचार उपग्रह GSAT-31 फ्रेंच गायना से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। Ariane-5 रॉकेट को कोरू लॉन्च बेस से हटा दिया गया और 42 मिनट में इसे इच्छित जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में रखा गया। क्वेश्चन नंबर 13। रमेश भाटकर का 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह एक प्रसिद्ध अंडरस्कोर थे। ऑप्शन ए मराठी अभिनेता, ऑप्शन बी मराठी गायक, ऑप्शन सी तेलुगु अभिनेता, ऑप्शन डी तमिल गायक। सही जवाब है ऑप्शन ए मराठी अभिनेता। श्री समृद्धि उत्सव आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय मोहुआ की एक पहल जिसका उद्देश्य दीनदयाल अंत्योदय मिशन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन डेनुल्म का विस्तार करना है, जो सबसे कमजोर है, इसकी पहल को प्रदर्शित करता है और इसे सुलभ बनाता है। स्वयं सहायता समूह SHG के सदस्य अन्य सरकारी योजनाओं के लिए। क्वेश्चन नंबर 14। कोलंबिया गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए पीवी भारती, ऑप्शन बी पूनम खेत्रपाल, ऑप्शन सी संजीव रंजन, ऑप्शन डी राजीव चोपड़ा। सही जवाब है ऑप्शन सी संजीव रंजन। क्वेश्चन नंबर 15। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय MSME द्वारा निम्नलिखित में से किस फर्म को मिनी रत्न श्रेणी 2 के अंतर्गत विजेता के रूप में चुना गया है? ऑप्शन ए BEL, ऑप्शन बी NFDC, ऑप्शन सी HPCL, ऑप्शन डी HAL। सही जवाब है ऑप्शन बी NFDC। क्वेश्चन नंबर 16। किस राज्य सरकार ने एक परिणाम उन्मुख तरीके से किसानों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक कार्य योजना तैयार करने के लिए एक उच्च अधिकारी संचालित 5-सदस्यीय समिति की घोषणा की? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। सही जवाब है ऑप्शन सी पंजाब। भारत के राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम NFDC को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम MSME मंत्रालय द्वारा मिनी रत्न श्रेणी 2 के तहत विजेता के रूप में चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 17। भारत का अंडरस्कोर संचार उपग्रह GST-31 फ्रेंच गायना से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। ऑप्शन ए 69वां, ऑप्शन बी 40वां, ऑप्शन सी 75वां, ऑप्शन डी 50वां। सही जवाब है ऑप्शन बी
40वां मेयर ने कहा कि वर्तमान में अर्जेंटीना के लिए भारत के दूत संजीव रंजन को कोलंबिया गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18। शहरी समृद्धि उत्सव निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा की गई पहल है? ऑप्शन ए MRD, ऑप्शन बी HRD, ऑप्शन सी MHA, ऑप्शन डी MOHUA। सही जवाब है ऑप्शन डी MOHUA। दिग्गज मराठी अभिनेता रमेश भटकर का 70 वर्ष की आयु में 1.5 साल तक कैंसर से जूझने के बाद निधन हो गया। क्वेश्चन नंबर 19। भारत का संचार उपग्रह गस्ट 31 फ्रेंच गायना से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। अंडरस्कोर रॉकेट ने कोरू लॉन्च बेस से इसे प्रक्षेपित किया। ऑप्शन ए KSLV-3, ऑप्शन बी Ariane 5, ऑप्शन सी Long March 4, ऑप्शन डी PSLV-XL। सही जवाब है ऑप्शन बी Ariane 5। इंडियन स्क्वैश खिलाड़ी रामित टंडन ने फाइनल में मिस्र के मोहम्मद अल शेरबीनी को हराकर सिएटल ओपन 1 PSA चैलेंजर स्क्वैश टूर इवेंट जीता। क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए राकेश कुमार अस्थाना, ऑप्शन बी आलोक वर्मा, ऑप्शन सी आलोक कुमार शुक्ल, ऑप्शन डी ऋषि कुमार शुक्ला। सही जवाब है ऑप्शन डी ऋषि कुमार शुक्ला। सरकार ने टोरंटो में दिनेश भाटिया वर्तमान महावाणिज्य दूतावास को अर्जेंटीना में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप इस क्विज का अभ्यास करना चाहते हैं तो अब नीचे दिए गए विवरण में लिंक पर वंडरस्लेट एप्लीकेशन डाउनलोड करें। यदि आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव है तो कमेंट करें। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया है और इसे अधिक देखना चाहते हैं तो अंगूठे को हिट करें और भविष्य के वीडियो के अधिक अपडेट प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें।